साहब मुझे मेरी बीवी से मिलवा दो। कुछ ऐसी गुहार के साथ पिछले कई दिनों से एक युवक भटक रहा है। मामला कटिहार का है। विशाल अपनी मुस्कान के लिए सड़क पर भटक रहा है। दरअसल पटना के रहने वाले विशाल ने घर वालों की रजामंदी से प्रेम विवाह किया। अचानक पत्नी की बीमारी पर इलाज के लिए उसे पटना अपनी रिश्तेदार के पास आकर रहना पड़ा और इसी दौरान कटिहार के पवई के रहने वाले अब्दुल राजा उसकी बीवी को बहला फुसला कर लेकर आ गया, ऐसा विशाल का आरोप है। इसलिए अब वो तथाकथित प्रेमी के भ्रम जाल से अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए गुहार लगा रहा है। फिलहाल कटिहार में विशाल और मुस्कान के इस अजब प्रेम की गजब कहानी की चर्चा पूरे इलाके में जोरों पर है। एक लड़का हमारी बीवी को लेकर के चला आया बाला फुसला कर। क्या नाम है? लड़का का नाम अब्दुल राजा हुआ, पवई में रहता हूँ। शादी करना? शादी हम मेरी जनवरी में हुई थी। आप लव मैरिज किए? हाँ, लव मैरिज किए थे। कैसे लड़की से मिले, कहाँ लव हो गया? लव हुआ हमको अनिसाबाद में। अच्छा, कैसे लव हुआ, क्या काम? वहाँ पे क्लास करने हम जाते थे, क्लास करने जाते थे, उसी बीच हमको वो लड़की मिली। लड़की मिली तो नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद उसके घर आना जाना लग गया। वो अपने भाई से मिलवाई तो घर आना जाना हो गया। तो वो लड़की बोली अपने हम बोल वो लड़की बोली कि हम शादी करें। तो हम बोले कि अपने घर वाले से बात करो। उसने बोला बोला तो उसके घर वाला बोला कुछ देर रुक जा, बोला कि रुक जा। तो वो लड़की का बर्दाश्त नहीं लिया, वो बोला फिर हमको कि चलो बाहर। हम उसको बाहर लेके चले गए, गुजरात चले गए। शादी किए थे बड़ोदरा में, पावागढ़ मंदिर में। मंदिर में 5 महीना रहे, 2 बार गर्भवती भी हुई वो मेरे साथ। अर्जेंट लापता तो बीवी 3 तारीख से लापता।